हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर टू फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड ऑफ योर हिस्ट्री बुक. ओके, लेट्स स्टार्ट. तुषार ट्रेन जर्नी. तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग. दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन. एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउस फ्लाई पास, हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेट, डू यू नो दैट ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो एंड पीपल बिगिन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिजिट्स लेटर. तुषार जो है अपनी कज़िन की वेडिंग अटेंड करने के लिए बाई ट्रेन दिल्ली से चेन्नई जा रहा था. वो विंडो सीट के पास बैठा हुआ था. उसके अंकल आते सडनली और उसके शोल्डर पर टैप करके पूछते कि क्या तुम जानते हो, लगभग 150 साल पहले यानी 150 ईयर्स पहले से हम ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके कुछ सालों बाद हम बसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं. तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेर एवर दे वर बोर्न? नॉट क्वाइट. तुषार कहता है कि जब लोग क्विकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाते थे तो क्या वे अपना पूरी लाइफ वहीं पे स्पेंड कर देते थे जहाँ वो बोर्न हुए हैं? यह काफ़ी नहीं. द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव? अर्लीस्ट पीपल यानी लोग जो थे वो कैसे मूव करते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट इट मीन्स अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट यानी कंट्रीज, एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो. हम जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट्स पर यानी पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स यानी देशों के अंदर 2 मिलियन ईयर पहले से लोग रह रहे हैं. टूडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदरर्स. हम उन्हें हंटर और गैदरर के नाम से वो लोग जाने जाते हैं और हम उन्हें डिस्क्राइब करेंगे. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. उन्हें ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो इन्हीं बेसिस पे, हंटर करना इट मीन शिकार करना और गैदरर्स करना मतलब एक जगह चीज़ों को इकट्ठा करना जैसे फ्रूट्स है, फूड है, उन्हें इसी नाम से यही नाम इसलिए उन्हें दिया गया है. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट रूट्स नट्स सीड्स लीव्स स्टॉक एंड एग्स. वो जनरली अपने फूड के लिए क्या करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, बर्ड्स फिश को पकड़ते थे, फ्रूट्स को गैदर इट मीन्स कलेक्ट करते थे, नट्स वगैरह सीड्स इन सबको कलेक्ट करते थे. हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देर आर मैनी रीज़न फॉर दिस. हंटर गैदर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे उसके बहुत सारे रीजन्स है. फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव नो हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड. अब वो क्या, अगर एक ही जगह वो रह जाएंगे तो वो वहाँ पर उगने वाला सारा जो भी फूड अवेलेबल है जो ग्रोन हो रहा है वो उसे खा लेंगे, उनके पास फिर और कुछ भी नहीं बचेगा. तो इसलिए वो एक जगह का जो फूड है उसे कंप्लीट करके नेक्स्ट जगह के लिए मूव करते थे. सेकंड रीज़न क्या है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस डियर एंड वाइल्ड कैटल्स, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स. दैट इज़ वाई दोज हु वॉन्टेड देम एंड हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट. अब कभी कभी क्या होता था, सेकेंड रीज़न ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह या तो छोटे मोटे शिकार की तलाश में जाते थे, या कभी कभी क्या होता था डियर और वाइल्ड एनिमल्स है वो ग्रास और लीव्स जो खाते थे और एक जगह से खाने के बाद वो दूसरी जगह मूव करते थे. तो ये जो अर्ली मैन है या अर्लीस्ट पीपल है ये उनके जो पाथ उनका जो रास्ता है उसको फॉलो करते थे और उनको पीछे पीछे जाकर वो अपना फूड ले लेते या हम कह सकते हैं उन्हें हंट करके ले आते थे और एज अ फूड उन्हें खा लेते थे. थर्ड, प्लांट एंड एनिमल्स बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन. सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स और ट्रीज जो है वो सीजन वाइज ग्रोन होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि वो जहाँ जिस प्लेस पर एक पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर फ्रूट ग्रो हो रहा है तो वो वहाँ जब तक उगेगा वो उसे खाएंगे और फिर मूव कर जाएंगे. फोर्थ रीज़न क्या था, पीपल प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. वाटर इज़ फाउंड इन लेक स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. वेल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल. पेरेनियल इट मीन्स विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर्स आर सीजनल. अब देखो कुछ क्या होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, कुछ क्या कह सकते हैं, सभी को वाटर की ज़रूरत होती है. अब कुछ जो रिवर्स सोर्सेज होते हैं जैसे स्ट्रीम है या रिवर्स लेक्स है उनमें पूरे साल पानी होता है, लेकिन कुछ जो होते हैं उनमें सीजनल यानी जब रेनी सीजन होता है तभी पानी आता है. तो पीपल लिविंग ऑन द बैंक
वुड हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. तो जैसे ड्राई सीजन आता है विंटर समर और पानी ख़त्म हो जाता है वाटर सोर्सेज का, तो वो पानी जहाँ पर अवेलेबल होता है और जहाँ फूड अवेलेबल होता है इस सर्च में वो मूव कर जाते हैं. हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता पड़ता है. आर्क्योलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज. अब आर्क्योलॉजिस्ट जो हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं, उन्होंने बताया कि हंटर गैदर्स जो है वो कैसी चीज़ें बनाते थे और क्या यूज़ करते थे. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन वुड एंड बोन. वो जो टूल्स यानी जो औजार है वो स्टोन वुड और बोन्स के बने हुए इस्तेमाल करते थे. ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट. और उन सब में से जो स्टोन के जो टूल्स हैं वो काफ़ी अच्छे चलते थे. सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन्स, कैप बार्क एंड हाइट, चॉप फूट एंड रूट्स. सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन्स और वुड टू मेक स्पीयर एंड एरो फॉर हंटिंग. अब ये जो टूल्स होते थे ये किस लिए यूज़ आते थे, एक तो मीट यानी मांस काटने के लिए, बोन्स काटने के लिए, बार्क यानी ट्रीज के ऊपर जो छाल होती है उसे स्क्रैप उसे निकालने के लिए, फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए, काटने के लिए, और कुछ कुछ तो औजार ये टूल्स ऐसे होते जिन पर हैंडल भी लगा होता था और उन्हें हंटिंग के लिए यूज़ करते थे एज एन एरो. अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड. कुछ टूल्स जो है वो वुड काटने के भी काम आते थे. विच वॉज यूज एज अ फायर वुड. और कुछ वुड्स हैं जिन्हें कट करके फायर वुड की तरह यानी आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे. वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हर्ट्स एंड टूल्स. और जो वुड है उनसे वो हर्ट्स और टूल्स भी बनाते थे. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. लुक एट द मैप टू बिलो. ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल आर साइट्स from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown in map. Many sites are located near source of water such as rivers and lakes. अब sites क्या होती है जहाँ लोग रहते थे. तो hunter-gatherers कहाँ कहाँ रहते थे वो red triangle से आपको बता रखा है. जैसे first अगर देखा जाए तो भीम बेट का, कुरनूल केव्स एंड हंसगी. ये जो places हैं यहाँ पर जो है earliest people रहते थे. वो काफ़ी और जगह भी रहते हैं लेकिन अभी आपको मैप में यही शो किया है. भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश. दिस इज़ एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड. दिस रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली. कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल क्लोज चूज टू लीव हीयर. हम भीमबेटका जो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही सबसे पुरानी साइट है, केव्स है, रॉक शेल्टर्स है जहाँ पर लोग रहते थे पीपल ने, इसे आपको पता है क्यों चूज़ किया है. बिकॉज ये जो केव्स है ये नर्मदा के किनारे हैं सबसे पहली बात, तो यहाँ पर एक सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल है. साथ ही साथ जो केव्स है वो अर्लीस्ट पीपल को यानी पुराने जो लोग हैं उन्हें रेन, हीट और विंड से बचाव करते हैं. एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल वर इम्पॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेज वेर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल. अब स्टोन टूल्स जो है वो भी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पीपल ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ उन्हें अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स अवेलेबल हो. रॉक पेंटिंग एंड वॉट दे टेलस. अब पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग. अब देखो ये पेंटिंग आपको क्या शो कर रही है कि एक जो मैन है वो किसी एनिमल का, हम कह सकते हैं डीर का जो है वो शिकार कर रहा है. मेनी ऑफ केव्स इन सच इन विच दिस अर्ली पीपल्स लिव हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स. सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश. दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रोन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल. अब कुछ पेंटिंग्स हम देखेंगे मध्य प्रदेश की केव्स पर, उत्तर प्रदेश सदर्न उत्तर प्रदेश में वहाँ केव्स की वॉल्स पर देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी एक्यूरेसी से और काफ़ी स्किल से अदाकारी से अपनी ये जो पेंटिंग्स है वो शो कर रखी है. साइट्स आर इम्पॉर्टेंट वेयर रिमेन ऑफ द टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा आर फाउंड. साइट हम किसे कहते हैं जहाँ जो अर्लीस्ट पीपल थे उनके टूल्स, पोर्ट्स या बिल्डिंग्स हमें मिलते हैं या रह गए हैं, किसी वजह से छूट गए हैं. दिस वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल. ये उनके द्वारा बनाए गए थे, उनके द्वारा इस्तेमाल होते थे या उनके द्वारा छोड़ दिए गए हैं. दिस में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर. ये जो है ये जो टूल्स है पोर्ट्स या तो ये हमें ज़मीन के अंदर मिलेंगे या पानी के अंदर भी मिल सकते हैं, ज़मीन के ऊपर भी मिले हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर में आप पढ़ेंगे. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप टू. अभी आपने मैप टू पेज 13 पर आपने कुरनूल केव्स देखी थी. यहाँ पर इसके बारे में क्या बताया गया है.
ट्रेसेस ऑफ एशेज हैव बीन फाउंड हियर, जो ऐश यानी राख होती है वो भी यहाँ पर मिली है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, इसका क्या मतलब है कि लोगों को आग जलाना आती थी या लोग जो थे वो आग को पहचानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, अब फायर का किस लिए इस्तेमाल होता था, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट जलाने के लिए, टू रोस्ट मीट, मीट पकाने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स को दूर भगाने के लिए। वॉट डू वी यूज़ फायर फॉर टूडे, आज हम फायर क्यों यूज़ करते हैं, आपको बहुत सारे रीजन्स बताएं। नेम एंड डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेम्स एंड डेट्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडी, आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी लंबे नाम दिए जिन्हें हम स्टडी करेंगे कर रहे हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक एज, दिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। अभी जो पैलियोलिथिक जो एज है इसे यह टू वर्ड ग्रीक वर्ड से बना है, फर्स्ट है पैलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड और लिथियो मीनिंग स्टोन, यानी ऐसी स्टडी जो काफ़ी ओल्ड है और रिलेटेड टू स्टोन्स है। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग ऑफ स्टोन टूल्स। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, पैलियोलिथिक जो पीरियड है वो 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर 12,000 ईयर्स अगो तक है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच डिवाइड इनटू थ्री, इनटू द लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम्स कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और ये जो है ये ह्यूमन हिस्ट्री का 99% कवर करता है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक या मिडल स्टोन एज, यानी ये जो एज ये 12,000 ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर तक जो एज है वो मेसोलिथिक कहलाती है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, अब इस समय जो स्टोन टूल्स हमें मिलते हैं वो काफ़ी छोटे होते थे। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल, जिनसे सॉ या सिकल्स, ये आपने देखा होगा कुदाली जो होती है वो बनती थी जिनके ऊपर एक वुड का स्टैंड लगा होता है। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज, और जो पुराने टाइप के टूल्स है वो भी यूज हो रहे थे इस समय। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम द 10,000 ईयर अगो, जो 10,000 साल पहले जो एज है उसे हम कहते हैं नियोलिथिक। व्हाट डू वी थिंक इन द टर्म ऑफ द नियोलिथिक मीन्स, अब आप नियोलिथिक से क्या समझेंगे। वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेज, यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मेनी मोर प्लेसेज इन लेटर चैप्टर। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम ऑफ द प्लेसेज वेयर पीपल लिव्ड इन पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो वर्ड दे कॉल हिम। अब जो भी है नियोलिथिक के बारे में वो अब हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चेंजिंग इन्वायरमेंट, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। 12,000 ईयर्स पहले क्लाइमेट के अंदर, वर्ल्ड के क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस आए हैं और जो हमारी कंडीशन है एटमोसफेयर की वो काफ़ी वार्म यानी गर्म होने लगी। इन मैनी ईयर्स दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास, और इसी वजह से जो ग्रास लैंड है वो डेवलप होने लगी। दिस इज टर्न लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर एंटीलॉप्स गोट शीप एंड कैटल्स, और ये जो भी घास खाने वाले जो एनिमल्स है ये इनकी जो इंक्रीमेंट हुआ है, इनके नंबर्स में इंक्रीमेंट हुआ है। दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास, बिकॉज ये जो भी डीर है गोट शीप ये सभी घास पर डिपेंड है फॉर देयर फूड। दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, और फिर जो इन्हें खाते हैं वो इन्हें फॉलो करते थे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, क्योंकि उनकी ये हैबिट है, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्स। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, और जो फूड था वो अर्ली मैन की नेसेसिटी होने की वजह से वो इनके पाथ को फॉलो करते थे ताकि इन्हें खा सके, और फिर बाद में वो लोग इन्हें रियर यानी पालने भी लगे। और फिशिंग जो था ये उस वक्त स्टार्ट हो चुका था। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग इन हर्डिंग, अब फार्मिंग यानी खेती के साथ साथ पशुपालन भी काम शुरू हो गया था। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम एंड सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट बाली एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अब जो हमारे देश थे उनके अंदर जो ग्रेन्स है या वीट बार्ली राइस ये सब उगाने लगे थे। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड, लोग इन्हें कलेक्ट करने लगे थे एज अ फूड, एंड लर्न वेयर दे ग्रू।
ग्रीव, और उन्हें कैसे उगाना है वो भी उन्हें आ चुका था. एंड वेन दे राइपन, और ये कब पकेंगे उन्हें समय का भी अनुमान हो चला था. दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. इन दिस वे पीपल बिकम अ फार्मर, और वो खुद ही प्लांट्स उगाने लगे थे. इस तरह से लोग फार्मर बन चुके थे. पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टैम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देयर नियर देयर शेल्टर. अब लोग क्या थे, एनिमल्स को पालने लगे थे या कह सकते उन्हें वश में करने लगे थे, और अपने शेल्टर अपने घर के आसपास उन्हें रखने लगे थे. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. सबसे पहले उन्होंने किसी डॉग, किसी चीज़ को पाला था या अपने वश में किया था किसी एनिमल को, तो वो था एंसेस्टर ऑफ डॉग, यानी जो जंगली कुत्ता होता है उसे. लेटर पीपल एनकरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेर दे लिव्ड. दिस एनिमल्स सच ए शीप, गॉट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन देयर हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस. फिर इसके बाद लोग उन्हें अपने कैंप्स के आसपास रखने लगे जो काफ़ी जेंटल है, काफ़ी शांत स्वभाव के, जैसे गॉट, कैटल, काव और जो घास खाते हैं. ऑफन पीपल प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय द वाइल्ड अदर वाइल्ड एनिमल्स. दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स. उसके बाद वो लोग जो थे अर्ली मैन जो थे, वो इन लोगों को गॉट और शीप को प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. इस तरह से ये हर्डर्स बन चुके थे. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग्स वर परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड. क्या आप जानते हैं डॉग को इन्होंने फर्स्ट टाइम क्यों अपना वो पेट बनाया था? आप बता सकते हैं तो मुझे सोच के बताइएगा. कंटिन्यू करते हैं डोमेस्टिकेशन. Is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Very often plant and animal that are tended by the people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grain and have strong stalk capable of bearing the weight ऑफ द राइप ग्रीन. क्या आप जानते हैं ये जो पूरी प्रोसेस है, इसके अंदर एनिमल ये सीख चुका था कि उन्हें वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड प्लांट्स की बजाय उन्हें डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स को रखना है जो उन्हें के लिए फूड का मेन सोर्स बने. ये सारा जो कंपेरिजन था वो जो ह्यूमन बींग है वो कर चुका था. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have same qualities. अब उसके बाद वो ऐसे plants भी search करने लगा था जिनसे उन्हें grow करने पर नए plants मिले जो disease वाले ना हो, disease free plants हो, इतना वो develop हो चुका था. Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. साथ ही साथ उन्हें एनिमल्स का भी हो गया था कि किस एनिमल्स को हमें रखना है, कौन सी ब्रीड हमारे लिए सही होगी. एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. इस तरह से जो वाइल्ड एनिमल प्लांट्स है वो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एनिमल्स से काफ़ी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. अगर देखा जाए जो टीथ है और जो हॉर्न्स है वो वाइल्ड एनिमल के काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, क्योंकि पीपल जान चुका था कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स उनके टीथ और हॉर्न्स इतने शार्प नहीं है जो उन्हें हार्म कर सके. लुक एट दिस टू सेट्स ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू अ वाइल्ड पिग एंड विच ऑफ द डोमेस्टिकेट. अब आप ये दो टीथ देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सा वाइल्ड पिग का है और कौन सा डोमेस्टिकेटेड. ऑफकोर्स हम देखेंगे ये जो बड़ा जो टीथ है, बिग टीथ जो है, ये वाइल्ड पिग का होगा, और जो स्मॉल टीथ है वो डोमेस्टिकेटेड पिग का होगा. डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअली प्रोसेस दैट took place in many parts of the world. It began in about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animal produce that we use as a food today in result of domestication. और 12,000 साल पहले जो domestication है world में start हो चुका था, और आज हम जो food खा रहे हैं ये भी उसी की process का हिस्सा है, या उस domestication से ही हमने सीखा है या उसका result है. Some of the earliest plant to be domesticated were wheat and barley. सबसे पहले जो प्लांट उगाया गया था या यूज़ में लाया गया था वो था वीट एंड बाली. द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शीप एंड गोट. और जो डोमेस्टिकेटेड नहीं, जो पशुपालन में सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था वो एनिमल था शीप एंड गोट.
a new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. अब आपने देखा है कि जब आप seed grow करते हो तो उसे time लगता है grow होने के लिए, बड़ा होने के लिए. This may be for several days, weeks, months and in some case years. अब आपने देखा है किसी को उगने में कुछ दिन लगते हैं, किसी को उगने में कुछ हफ्ते लगते हैं, किसी को कुछ महीने लगते हैं और किसी को साल भी लगते हैं. When people begin growing plant, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plant, watering, weeding, driving away animals and birds, steal the grain ripened, and then the grains had to be used carefully. अब उसके बाद ये जो people है वो जान चुके थे कि अब उन्हें एक जगह रुकना होगा because उन्हें farming आ चुकी है, ताकि वो जब seed बोएं तो उनका ध्यान रखें वो कब पकेंगे और उन्हें as a food source वो इस्तेमाल करेंगे, तो उनका care करना, ये सब कुछ वो सीख चुका था. As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. अब जो था grains वो खाने के लिए भी और as a बीज यानी seed के लिए भी यूज होने लगा था, और people जो है उसे काफ़ी तरीके भी आ गए थे उसे स्टोर करने के. In many areas they began making large clay pots और वो basket और duck pits into the ground. अब वो उसे store करने के लिए clay के pots का इस्तेमाल करने लगा और ground के अंदर गड्ढे भी खोदने लगा ताकि उसे store कर सके. Do you think hunter gatherers would have made and used pots? Give reason to your answer. अभी आपको answer देना है. Storing animals, animals multiply नेचुरली. अब आपको पता है एनिमल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, मतलब वो जन्म देते हैं दूसरे एनिमल को तो वो अपने आप बढ़ते रहते हैं. बिसाइड इफ दे आर लुकड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वैन एवर रिक्वायर्ड. अब आपको पता है कि जब एनिमल उन्हें वो ये लोग जान चुके थे कि जब अगर हम एनिमल्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे तो वो हमें एज अ फूड हमें प्रोवाइड करेंगे, मीट प्रोवाइड होगा हमसे, उनसे हमें मिल्क प्रोवाइड होगा. इन अदर वर्ड्स एनिमल्स आर दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड. और इस तरह से देखा जाए तो जो एनिमल है वो उनके लिए एक सोर्स है, एक पूरा स्टोर है फूड का. फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स. अब हम देखेंगे मैप में कि फर्स्ट फार्मर हर्डर्स क्या थे. यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस फॉर अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स. सबसे पहले जो फार्मर हर्डर्स कहाँ मिले थे हमें, हम अगर देखें तो कहाँ मिले थे, ब्लू स्क्वायर में बुर्जोहम, मेहरगढ़, चिरान, कोलदीवा, महागारा, पेयमपाली. यहाँ पर जो हर्डर्स या फार्मर्स थे हम कह सकते हैं कि वो डेवलप हो चुके थे सबसे पहले. ओके लेट्स कंटिन्यू. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in northwest in the present day Kashmir and east in south India. और जो सबसे important जो herders या farmers थे वो कश्मीर के अंदर और south India के अंदर developed, east and south India में developed हो चुके थे. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स. अब सबसे पहले देखा जाए तो फार्मर्स और हर्डर्स यहीं पर आकर सेटल्ड हुए थे बिकॉज साइंटिस्ट को यहाँ से प्लांट्स के एविडेंस भी मिले हैं और एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं. इसे ये बताता है कि यहाँ पर जो अर्लीस्ट मैन थे वो सेटल हुए थे. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्न ग्रेन्स. यहाँ पर उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला है, जली हुई जो ग्रेन्स अनाज होते हैं वो मिले हैं. दिस में हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और ऑन पर्पज. और वो ये नहीं जानते कि ये वो एक्सीडेंटली जले थे या कोई पर्पज था जिससे वो जले थे. साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. अब इससे उस सब कॉन्टिनेंट का क्या मतलब होता है, मैंने क्या बताया पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट यानी कंट्रीज. यहाँ पर अलग अलग पार्ट में उन्हें जो क्रॉप्स है वो मिले हैं और साथ ही साथ बोन्स भी मिले हैं. इससे ये पता पड़ता है कि फार्मर्स जो थे वो टोटली ग्रेन्स उगाना जान चुके थे और एनिमल्स का कैसे यूज करना है वो भी जान चुके थे. Toward a settled life, archaeologists have found traces of huts and houses at some site. कहीं किसी किसी साइट पर उन्हें हर्ट और हाउसेज भी मिले हैं. फॉर इंस्टेंस इन बुर्जा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर के अंदर जो बुर्जा होम है, पीपल बिल्ड पिट हाउसेज विच वर डग इन टू अ ग्राउंड विथ
स्टेप्स लीडिंग इन टू दैम। कुछ पीट हाउस यानी ज़मीन के अंदर कुछ घर बने हुए हैं जो सीढ़ी से होते हुए अंदर की तरफ जाते हैं। दिस मे हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर। अब ये जो घर बने थे ये क्या थे, ज़मीन के नीचे थे, जो कश्मीरी पब्लिक पीपल से उनको कोल्ड से बचाते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाउंड आउट किया कि घर के बाहर और घर के अंदर कुछ ऐसे फूड बनाने की भी प्लेसेस थी जो बनी हुई थी, जिन्हें वो वेदर के अकॉर्डिंग, अगर वेदर ठंडा होता था तो वो उन्हें घर के अंदर खाना बनाते थे, और वेदर अच्छा होता था तो वो घर के बाहर खाना बनाते थे अकॉर्डिंग देयर क्लाइमेट कंडीशन। ड्रॉ पीट हाउस। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। स्टोन टूल्स आपको बहुत जगह मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। कुछ जो थे वो पैलियोलिथिक टूल्स से काफ़ी डिफरेंट थे, इसे उन्हें नियोलिथिक टाइम का कहा गया है। दिस इंक्लूड टूल्स वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एजेस और मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। अब यहाँ जो कुछ टूल्स मिले वो काफ़ी पॉलिश्ड और काफ़ी कटिंग शार्प मिले हैं, और कुछ मोर्टार्स और पेस्टल यानी जो ओखल होती है वो भी मिली है, जिनका यूज़ जो है ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए नहीं पीसने के लिए किया जाता था। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टूडे। आज भी हम इनका यूज़ करते हैं, मोर्टार्स और पेस्टल का, ओखले का। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर्स एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स। और कुछ जो टूल्स थे वो काई के बने होते थे, स्टोन्स के अलावा बोन्स के भी बने होते थे। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोर्ट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। कुछ अर्थन पोर्ट्स यानी मिट्टी के पोर्ट्स यानी घड़े भी उन्हें मिले हैं। दिस वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज एज स्टोरिंग थिंग्स, जो काफ़ी उस टाइम पर डेकोरेट भी किए जाते थे और चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी यूज़ किए जाते थे। पीपल बिगेन यूजिंग पोर्ट्स फॉर कुकिंग फूड स्पेशली ग्रीन लाइक राइस व्हीट लेंटिल्स इट मीन्स मसूर की दाल। That now became an important part. और ये जो पोर्ट्स थे अर्थन पोर्ट्स, ये खाना पकाने के भी काम में लेते थे। That died. Beside that, they began weaving clothes using different kinds of material. For example, cotton. They could now be grown. अब ये क्या थे, कपड़े जो बुनना है वो भी ये स्टार्ट कर चुके थे, इसके लिए ये कॉटन भी ग्रो करने लगे थे। Did things change everywhere and एट ऑल वंस, क्या चीज़ें सब जगह एक साथ बदली थी या अचानक बदली थी? नॉट क्वाइट। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। जब लोग जो थे वो काफ़ी डेवलप हो गए थे, लेकिन कुछ जगह जो थे मैन और वुमेन अभी भी हंटिंग गैदरिंग ही कर रहे थे, उन्हें फार्मिंग नहीं आई थी। एंड एल्स वेयर पीपल अडोप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। और जो फार्मिंग और हर्डिंग है वो लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे अडोप्ट किया, एकदम से नहीं किया, ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, और इसमें हज़ारों साल लगे हैं। बिसाइड इन सम केसेज पीपल ट्राइड टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। और लोग जो थे वो जो उनकी एक्टिविटीज़ वो चेंज कर लेते थे अकॉर्डिंग टू देयर सीजनल कंडीशन। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलान पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इन ईरान। अब ये जो देखेंगे आप मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के अंदर बता रहा है, ये जो है ये बोलान पास से होते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान जाने का। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट। ये भी वो एक प्लेस थी जहाँ लोगों ने बार्ली और वीट उगाना सीखा था, एंड रियर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। और इस एरिया के अंदर ये वो फर्स्ट प्लेस थी जहाँ पर शीप और गोट को रियर किया गया था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। ये वो साइट है जहाँ पर हमें बोन्स भी मिले हैं एनिमल्स के, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डीर एंड पीक एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स वर फाउंड। यहाँ हमें शीप के, गोट की, डीर और पीक की भी बोन्स मिले हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल हाउस।
इसके अलावा हमें मेहरगढ़ में क्या मिला है, स्क्वायर शेप के रेक्टेंगुलर शेप के हाउस भी मिले हैं। ईच हाउस हैड फोर एंड मोर कंपार्टमेंट, इन घर में चार या चार से ज़्यादा कंपार्टमेंट या डिवाइडेशन होते थे, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, और इसमें से कुछ जो है वो स्टोरेज यानी सामान रखने के काम आते थे। When people died, their relatives and friends generally pay respect to them. जब लोग मर जाते थे तो लोग और उनके relatives और friends जो है उन्हें काफ़ी respect देते थे। People look after them, perhaps and believes that there is some फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, वो उन्हें इसलिए संभाल के रखते थे या कि और उन्हें ये मानते थे कि लाइफ के मरने के बाद भी लाइफ जो है वो होती है, एक फॉर्म होती है, डेथ की एक फॉर्म होती है। ब्यूरियल इज़ वन ऑफ सच अरेंजमेंट, ज़मीन में जब दफनाते तो उसका भी एक अरेंजमेंट करते थे वो, जैसे क्या, सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़, में काफ़ी ब्यूरियल यानी दफनाने की जो प्लेसेस है ये साइट्स मिली है। इन वन स्टेंस द डेथ पर्सन वॉज बरीड विद गॉड्स विच आर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, और वो दफनाने के साथ साथ कभी गॉड को भी उसके साथ बरीड यानी दफना देते थे ताकि क्या हो, उनका मानना था कि जब ये मरे गए हैं, इनकी डेथ हो गई है, तो डेथ के बाद नेक्स्ट वर्ल्ड में भी इन्हें फूड की ज़रूरत पड़ेगी तो ये गॉड उन्हें प्रोवाइड करेगी। केव पेंटिंग इन फ्रांस, फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, अ पेंटिंग बिलो इन From the caves in France. This site was discovered by four school children more than 100 years ago. ये जो पेंटिंग है ये फ्रांस की केव पेंटिंग्स की है जिन्हें चार स्कूल बच्चों ने फाइंड आउट किया था 100 years पहले। पेंटिंग लाइक दिस वर मेट बिटवीन 2000 and 10,000 years ago के बीच की पेंटिंग है। मैनी ऑफ दिस वर एनिमल्स सच इज वाइल्ड हॉर्सेज, ऑर्चर्स एंड ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, बाइसन, वुल, राइनोसॉरस, रेनडियर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर। तो यहाँ पर जो है जिन्हें हम कह सकते हैं वाइल्ड हॉर्स और राइनोसॉरस की पेंटिंग्स हैं या वाइल्ड कैटल्स की पेंटिंग है जो काफ़ी डार्क कलर से बनी हुई है। दिस कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑर्च एंड आयरन और एंड चाकोल से ये कलर्स बने हुए। इट इज़ पॉसिबल दिस पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेशन और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स। अब ये ऐसा माना जाता है कि ये जो पेंटिंग्स है किसी स्पेशल ओकेशन पर या किसी सेरेमनी ओकेशन पर ये बनी होगी। परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे, या फिर जब कोई शिकारी शिकार करने जाता था तो अपने प्रे यानी अपने शिकार की सर्च से पहले वो ये बनाता होगा। Elsewhere, a Neolithic site. Find Turkey in your atlas. One of the most famous Neolithic site, Cattle Huyuk, was found in Turkey. जब आप अपने atlas book में देखेंगे तो उसके अंदर एक देखेंगे Cattle Huyuk जो Turkey में find out है, वो Neolithic site के लिए famous है। Several things were brought from great distance, flint and Syria, cowries from the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea and used in the settlement. Remember, there were no carts. Most things would have been carried on the backs of the pack animals such as cattle or by people. अब आप यहाँ देखें तो cowries it means होता है sea shell, यानी जो सीपियाँ होती है वो भी उन्हें मिली थी, वो उनका भी यूज़ करते थे, और काफ़ी जो गुड्स थे वो उन्हें या तो carts पर डालकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे या अपनी बैग पर यहाँ से वहाँ ले जाकर ट्रैवल करते थे। ओके, थैंक यू।